जैसा कि गाइस आप सब जानते भी हैं कि मैं डे वन से ही गदर टू की आज मंडे की वर्किंग डे की डे फोर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वेट कर रहा था और अभी मंडे की डे फोर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के बाद मैं वो कहूंगा जो मैंने पहले नहीं कहा, और वो ये है कि गदर टू KGF चैप्टर 2 की लाइफ टाइम हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड गाइज उसके बाद पठान की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड बाहुबली 2 की हिंदी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन दोनों को बीट कर सकती है। अब आप में से ना बहुत से लोग जो डार्लिंग पर भास के फैंस हैं या जो शाहरुख खान के फैन है या जो फिर रॉकी भाई के फैन है वो कहेंगे कि भाई तू ये कैसे बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइज ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि गदर 2 को मंडे पे आज जैसा रेस्पॉन्स मिला है भाई वैसा रेस्पॉन्स ना तो फर्स्ट मंडे पे पठान को मिला था, ना ही गाइज दंगल को मिला था, ना ही RRR को मिला था, ना ही KGF चैप्टर 2 को मिला था, ना ही आदि पुरुष को मिला था। उन सब की भी मैं आपको डे फोर यानी कि फर्स्ट उनका जो मंडे था उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं, उसके बाद हम गाइस देखेंगे गदर 2 की। लेकिन वो सब देखने से पहले जरा हम गदर 2 की पहले 3 दिनों यानी कि कल संडे तक की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लेते हैं। तो पहले 3 दिनों के अंदर इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन हो चुकी है 134.88 करोड़, ये ग्रॉस बनती है 159 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 16 करोड़, कल भी ओवरसीज से सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ आया। ओवरसीज में इस फिल्म को बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं मिला, दैट्स व्हाई ये फिल्म 1000 करोड़ नहीं कर सकती। कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि भाई क्या गदर 2 1000 करोड़ कर सकती है, तो भाई पॉसिबल नहीं है। पठान को जो इतना रेस्पॉन्स मिला था वो ओवरसीज से भी था, ओवरसीज से पठान ने 400 करोड़ कमाए थे, लेकिन गदर 2 को ओवरसीज से बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। ये इंडिया से तो बहुत लेवल की कलेक्शन कर लेगी लेकिन ओवरसीज से गाइज नहीं। तो ओवरसीज से पहले 3 दिनों के अंदर जस्ट 16 करोड़ रुपए, टोटल बन जाता है 175 करोड़। गदर 2 की पहले 3 दिनों की टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुकी है 175 करोड़ रुपीस। नाउ हम चलते हैं गाइस आज मंडे की तरफ। तो गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सबसे पहले गाइस दंगल का फर्स्ट मंडे जो था उस पे उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी 26 करोड़ रुपीस। बाहुबली 2 ने अपने फर्स्ट मंडे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी 40 करोड़ रुपए की। यस, गदर 2 ने सारों का रिकॉर्ड बीट कर दिया आज मंडे पे, लेकिन बाहुबली 2 का नहीं कर पाई, 40 करोड़ रुपए। KGF चैप्टर 2 फर्स्ट मंडे 25 करोड़ रुपीस, पठान फर्स्ट मंडे 25 करोड़ रुपीस, और उसके बाद RRR फर्स्ट मंडे 17 करोड़ रुपीस, उसके बाद आदि पुरुष फर्स्ट मंडे 8 करोड़ रुपीस, और अभी गदर 2 की डे 4 यानी कि गाइस आज मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो अर्ली एस्टिमेट आया है वो आया है 33 करोड़ रुपीस। यस गाइस, मंडे पे भी इस फिल्म ने बाहुबली 2 को छोड़कर बाकी सारे मॉन्स्टर्स का रिकॉर्ड बीट कर दिया, मतलब चाहे वो पठान हो, चाहे वो KGF चैप्टर 2 हो, चाहे वो RRR हो, चाहे वो दंगल हो, किसी को भी इसने नहीं, मतलब बॉलीवुड में तो नंबर 1 बन चुकी है। बॉलीवुड में अभी तक फर्स्ट मंडे पे जितनी कलेक्शन गदर 2 की होने वाली है वैसी कलेक्शन किसी भी फिल्म की नहीं है, और वो है 33 करोड़। और मजे की बात यह है कि ये 33 करोड़ अभी शाम तक का अर्ली एस्टिमेट है, अगर तो नाइट शोज बहुत अच्छे हो जाते हैं तो ये 33 से बढ़ के 35 हो जाएगा, और शोज मुझे लगता है बढ़ भी जाएंगे क्योंकि कल फिर इंडिपेंडेंस डे है, हॉलीडे है, दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि आज रात देर तक, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे रात 12 बजे लोग एंजॉय करते हैं, तो मे बी लोग गदर 2 देकर एंजॉय करें, तो दैट्स व्हाई नाइट शोज आज अच्छे जा सकते हैं, और अगर अच्छे जाते हैं तो फिर ये 33 करोड़ से बढ़ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ 33 करोड़ ही लूंगा, और अगर इतना भी आता है तो भाई साहब 200 करोड़ प्लस तो आज मंडे पे हो चुका है, और कल इंडिपेंडेंस डे है, अगर कल मूवी को अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है 60-70 करोड़ करती है तो मतलब कल डे 5 हो जाएगा, पहले 5 दिनों के अंदर गदर 2 300 करोड़ कमा लेगी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। तो गाइस मुझे लगता है कि ये फिल्म अब इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली, इस फिल्म को जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है, ऑडियंस जिस तरह से देखने जा रही है, भाई साहब ऐसा क्रेज आज से पहले नहीं देखा। विद क्लैश, यार क्लैश मेरे माइंड में क्यों नहीं आता, विद क्लैश OMG 2 के साथ क्लैश है,
भली OMG 2 को A रेटिंग मिली है, भली गाइस उसका सर्टिफिकेट दूसरा है, लेकिन उसके बाद भी उस फिल्म के पास कम से कम 3000 शोज हैं। अगर वो फिल्म ना होती तो वो 3000 शोज भी गदर 2 के पास होते और आज गदर 2 बाहुबली 2 यानी कि 40 करोड़ का भी रिकॉर्ड बीट कर देती इजीली। लेकिन गाइस जितने इसने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं वही हिस्ट्री है। तो खैर दोस्तों मुझे बताएं क्या लगता है गदर 2 की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हो सकती है और क्या ये फिल्म 1000 करोड़ कर सकती है आपकी नजर में या नहीं, नीचे बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और अगली इन रूम में रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।